स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्थ चैप्टर। इस एक्सरसाइज में 18 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो ये पहला वीडियो आपका कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। आइए शुरू कर दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है। न्यूमेरिकल नंबर वन में गिवन है कि एक बॉडी है जो कि पाइवोटेड है एक पॉइंट पे। कहां पर पाइवोट है? पॉइंट ओ पे पाइवोट है, और इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है एफ। आप देख सकते हैं ये डायग्राम। क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट को अब समझ चुके हैं, तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट दिया हुआ है। जब फोर्स लग रहा है तो देखिए ये बॉडी टर्न हो रही है। यहां पर एक बात समझना होगी कि बॉडी क्लॉकवाइज टर्न हो रही है या एंटी क्लॉक टर्न हो रही है। आप वीडियो देख के समझ चुके होंगे कि बॉडी का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कब होता है। तो ये देखिए बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ गया। और किस टाइप का टर्निंग इफेक्ट आया? आप देखें तो बोलेंगे ये एंटी क्लॉक टर्निंग इफेक्ट आया। तो यहां पे फोर्स की वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन इस न्यूमेरिकल में, और जो इस पे टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज द टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क, ये है 5 न्यूटन मीटर, ये गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पाइवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड देन पुट द वैल्यूज, 5 इज इक्वल टू 10 इनटू आर, यू विल गेट आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर टू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू ये है कि एक लॉन्ग हैंडल स्पैनर से एक नट बोल्ट को घुमाया जा रहा है, टाइट करें या लूज करें। देखिए आप देख सकते हैं ये लॉन्ग हैंडल है स्पैनर का, जिसकी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और ये नट है इसका, इसको घुमाया जा रहा है। घुमाया जा रहा है मींस उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अप्लाइड फोर्स है 5 न्यूटन, यानी ये लेंथ दी हुई है, फोर्स दिया हुआ है, पूछा जा रहा है ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, देखिए जिसमें मैंने मार्क किया ये टाउ, यू हैव टू कैलकुलेट दिस टर्निंग इफेक्ट। तो राइट द फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क इज इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स दिया हुआ था एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहां पर गलती होती है आपसे, यहां दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट इनटू एसआई सिस्टम, तो 10/100 मीटर यू विल गेट 0.5 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर टू हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिए, क्वेश्चन का डायग्राम बुक में गिवन है। देखिए ये एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, जिसमें एक फोर्स लगाया जा रहा है पॉइंट बी से अलोंग द डायमीटर। देखिए डायमीटर है ए बी, और इस पॉइंट पे ये फोर्स लगाया जा रहा है 2 न्यूटन का इन दिस डायरेक्शन। जब ये फोर्स लगाया गया तो बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ गया। जरा सोच के बताइए ये टर्निंग इफेक्ट किस तरह का है। पता लग रहा है हमको ये टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज है। तो किस तरह का इफेक्ट है ये? क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट है। और ये डायमीटर गिवन है आपको 2 मीटर, यहां से यहां तक ए से बी तक की लेंथ 2 मीटर गिवन है। तो इसमें दो पार्ट पूछे गए हैं। पहला पार्ट है टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ के रिलेशन में कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। रिलेशन में पॉइंट के मतलब ये हमने मान लिया फिक्स पॉइंट है इसका, अगर इसको फिक्स कर दें और इसके रिलेशन में बॉडी घुमाएं तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क अबाउट द ओ विल बी इक्वल टू टॉर्क मींस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे? ये पार्ट लेंगे, रेडियस। पूरा डायमीटर नहीं लेंगे, रेडियस लेंगे, क्योंकि हमने यहां पे पूछा है। तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2/2, यानी आधा कर देंगे डायमीटर का। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया है टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए। ए के लिए देखिए फोर्स यहां से लग रहा है, टोटल डिस्टेंस ये डायमीटर के बराबर होगा 2 मीटर। तो आपने लिख दिया टॉर्क अबाउट द ए विल बी इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन 2 इंटू 2, अब हम टोटल डिस्टेंस 2 ले लेंगे, यू विल गेट द आंसर 4 न्यूटन मीटर, अगेन क्लॉकवाइज। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि एक ये रॉड है जिसकी टोटल लेंथ 6 मीटर है, 4 और 2 6, किस तरह से है कि यहां पे ये फलक्रम है ओ पे, यहां पे बॉडी पाइवोटेड है, और ए से लेके ओ तक ए ओ पार्ट की लेंथ है 2 मीटर और बी ओ पार्ट की लेंथ है 4 मीटर, ये आपको गिवन है। और साथ में गिवन है ये एक पॉइंट ए से लगने वाला फोर्स है डाउनवर्ड 5 न्यूटन, F1 मान लिया इसको, और यहां से ये दूसरा फोर्स बी से डाउनवर्ड लग रहा है F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन। इस सिचुएशन में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इन पे ध्यान देने की बात क्या है, इन क्वेश्चन में हम किसके रिलेशन में टॉर्क निकाल रहे हैं और उस टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, तो इन दो पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। केवल आंसर निकाल लेना पॉइंट नहीं है, ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना,
और जब हम ये कहते हैं अबाउट द ए अबाउट द ओ व्हाट डज इट मीन, हमको ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, कुछ भी वर्ड यूज करें, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट फॉर द एफ वन, जब ये एफ वन फोर्स लग रहा है तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है अबाउट ओ, ओ के रिस्पेक्ट में एफ वन के थ्रू कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। Then we will write the formula, torque is equal to F into perpendicular distance. तो देखिए force कितना है? 5 newton. तो ये 5 लिख लिया. ये perpendicular distance is pi watt से लेंगे. ये distance है 2 meter. तो ये 2 लिख दिया. तो 5 into 2, 10 newton meter. हमारा torque आ जाएगा A के लिए. अब देखिए ये direction क्या है? अगर ये pivoted है यहाँ पे और ये नीचे वो घुमाया जाए, तो ये किस direction में जाएगा घूम के? Anti clock. तो हमने लिख दिया anti clock turning effect है ये. दूसरी बात क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में दिया हुआ है अबाउट फॉर द फोर्स एक्टिंग एट बी टर्निंग इफेक्ट निकालिए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो टॉर्क ऑफ द फोर्स एफ टू अबाउट द ओ होगा, अगेन टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैल्यू है 3 न्यूटन और डिस्टेंस है ये 4 मीटर, देखिए ये 90 डिग्री एंगल बनता है यहां पे, तो ये आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर, और जरा देखिए यहां से ये डाउनवर्ड आ रहा है मींस ये इस डायरेक्शन पे लगाएगा टॉर्क, तो ये क्या डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आपने यहां पे 12 न्यूटन मीटर निकाल लिया इसको। अब तीसरा पार्ट आता है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, तो देखिए जब हम इधर से एंटी क्लॉक लगा रहे थे तो 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क था, और जब हम क्लॉकवाइज आ रहे थे तो 12 न्यूटन मीटर का था टॉर्क, तो नेट आ गया 12 - 10 यानी कि 2 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? क्लॉकवाइज, क्योंकि इधर का टॉर्क तो ज्यादा है, तो ये रॉड जो है इस तरह से क्लॉकवाइज टर्न लेने लगेगी। नाउ वी कम टू न्यूमेरिकल नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक रॉड है जो कि 4 मीटर लंबी है, कितनी लंबी है? 4 मीटर लेंथ की रॉड है, और इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से, एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है पॉइंट ए से 10 न्यूटन का, और एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है अगेन द 10 न्यूटन का फ्रॉम द पॉइंट बी। अगर ये फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं तो ये एक कपल बना रहे हैं, क्योंकि दो ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं, तो देखिए किस तरह का कपल बना रहे हैं, ये क्लॉकवाइज कपल बना रहे हैं, और ये ओ मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा इस पूरी बॉडी में, कितना फोर्स प्रोड्यूस, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी कपल कितना बनेगा। तो आपको यहां का अलग टॉर्क निकालना है, यहां का अलग टॉर्क निकालना है, और दोनों को प्लस कर देना है। एक तरीका यह है, या कपल का रिलेशन लगा के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। पहले यह तरीका देख लें, फिर दूसरा तरीका देखेंगे। तो देखिए रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओ निकालने के लिए पहले हम इस फोर्स के रिस्पेक्ट में देखें, तो यह फोर्स है 10 और यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यह हो गया 2 मीटर। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट ए, इसके रिलेशन में अगर निकालें तो हमने मान लिया टाउ 1 इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है 10 न्यूटन और डिस्टेंस है ये 2 मीटर यहां पर, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर, और किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए दूसरे फोर्स के लिए चलिए पॉइंट बी से, तो ये लग रहा है ये 10 न्यूटन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट बी विल बी टी टाउ 2 इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 इंटू 2 यानी 20 न्यूटन मीटर अगेन क्लॉकवाइज। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 मींस 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। दूसरा तरीका था आप डायरेक्ट यहां पे लिख देते कपल, कपल की वैल्यू निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, एनी ऑफ द फोर्स ले लिया क्योंकि इक्वल फोर्स है तो कपल बना रहे हैं, तब आप लिख सकते थे 10 न्यूटन इनटू डिस्टेंस द 4 यानी कि आप लिख देते 40 न्यूटन मीटर, देखिए तब भी वही आंसर आता। आप सिर्फ इतनी सी जगह में यह क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में इसका लॉजिक, इसलिए मैंने ये पूरा करके दिखाया। आप एग्जामिनेशन में ये लिख के भी पूरे नंबर पा सकते हैं, आप ऐसे निकालिए या इस पूरे मेथड से निकालिए, बात वही है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि आप इस चीज को समझ जाएं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में बुक में एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये दो डायरेक्शंस दी हुई हैं फोर्सेस की, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से लगने वाला फोर्स है ये F1 जो अपवर्ड जा रहा है 10 न्यूटन का, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी से एक डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का, मींस ये सोच के आप समझ सकते हैं ये किस डायरेक्शन में टर्न ले रहे हैं? क्लॉकवाइज। और ये इसका मिड पॉइंट है ओ, और इसके बीच दोनों के फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस दिया है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन में तीन पार्ट पूछे गए, समझिए उनको क्या पूछा गया है। पहला है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, हमें रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट द पॉइंट ए,
अबाउट द पॉइंट बी एंड अबाउट द पॉइंट ओ, इन तीनों के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो देखिए पहला पार्ट शुरू करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू फोर्सेस, ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं मींस ये एक कपल बना रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया इस टॉर्क के लिए। यहां पे जो टॉर्क है हमने मान लिया टाओ वन है, यहां का टॉर्क टाओ टू है। तो टाओ वन या टाओ ए, आप ए भी कह सकते हैं क्योंकि ए और बी लिखा है, तो टाओ बी लिख लीजिए, इट इज बेटर। तो टाओ ए इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 इनटू 0.5, 0.5 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो आप देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रिलेशन से 5 न्यूटन मीटर और किस डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज आएगा। सेकेंड अबाउट द पॉइंट भी देखें, अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 इनटू 0.5, तो 5 न्यूटन मीटर क्लॉक वाइज अगेन आंसर आ जाएगा। अब तीसरे पॉइंट पे आइए, इसको करने के दो तरीके जैसा मैंने पिछले न्यूमेरिकल में डिस्कस किया, क्योंकि ये कपल बन रहा है अबाउट द ओ। तो आप क्या कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखिए इस फोर्स के रिलेशन में इतना डिस्टेंस हो जाएगा 0.5 अपॉन 2। तो आपने 10 इनटू 0.5 अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ए निकाला टॉर्क अबाउट द ओ। फिर अबाउट द ओ ये डिस्टेंस और ये फोर्स है, तो फिर से 10 इंटू 0.5 अपॉन 2 आप ऐसा करके निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, या डायरेक्ट कर दीजिए एनी ऑफ द फोर्स एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस बी। तो आप लिख देंगे फोर्स इंटू डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस 10 इंटू 0.5, आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर और डायरेक्शन ऑफ कपल होगी क्लॉकवाइज। इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया है कार की स्टेयरिंग है ये, और स्टेयरिंग को घुमाया जा रहा है गाड़ी चलाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं स्टेयरिंग तभी टर्न लेती है जब उस पर दो फोर्सेस लगाए जाएं, यानी कपल क्रिएट हो। तो दो फोर्सेस लगेंगे जो इक्वल होने चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो देखिए और बोला गया है उसको एंटी क्लॉक टर्न किया जा रहा है। अगर एंटी क्लॉक टर्निंग हो रही है तो एक फोर्स ये जा रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, देखिए ये डाउनवर्ड तो ये अपवर्ड, तो ये एंटी क्लॉक टर्न हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉक है। दिए गए फोर्सेस हैं 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन ईच, और जो ये डायमीटर ऑफ द स्टीयरिंग व्हील है ये है 0.5 मीटर। तो आपसे कहा जा रहा है इसमें कितना टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो बहुत सिंपल है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ इज इक्वल टू 5 इनटू 0.5 यानी कि 2.5 न्यूटन मीटर। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने आंसर निकाल लिया, इंपॉर्टेंट यह है कि आप इस डायग्राम को समझिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट को देखिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, तो देखिए यहां पर ये एक मीटर स्केल है 0 से 100 सेंटीमीटर का। एक बात, इसको पाइवोट किया गया है 50 सेंटीमीटर के पॉइंट पे, तो ये मिड पॉइंट पे पाइवोटेड है। अब इसके एक एंड से W1 हमने मान लिया 50 GF का वेट लटका दिया गया, तो हमने मान लिया कि 0 से 50 के बीच की लेंथ L है, यहां पर L नहीं बल्कि L1 बोल दीजिए, ये L1 लेंथ है। दूसरी बात, यहां पर एक वेट और लटकाया गया, क्यों लटकाया गया, क्योंकि ये डिसबैलेंस हो जाएगा जैसे ये वेट यहां पे लटकाएंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा वेट W2 लटका दिया 100 GF का किसी एक पॉइंट पे। अब हमको पता लगाना है कि ये डिस्टेंस कितना है फिक्स पॉइंट से, जहां पर वेट लटकाया उसका डिस्टेंस कितना है। हमने मान लिया ये एक्स है। देखिए अगर कोई बॉडी या रॉड इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल कंडीशन में है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जरूरी है कि उसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट उसके क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए। देखिए जब आप एंटी क्लॉक और क्लॉक की बात कर रहे हैं तो वो भी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। तो इधर से लगेगा एंटी क्लॉक मोमेंट और इधर से लगेगा क्लॉकवाइज मोमेंट, ड्यू टू 100 GF लगेगा क्लॉकवाइज और ड्यू टू 50 GF लगेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमको सबसे पहला स्टेटमेंट ये लिखना है वरना मार्क्स कट जाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अब उसमें फॉर्मूला बनाया W1 into L1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू W2 into x फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी W1 L1 इज इक्वल टू W2 into L2 जिसे L2 भी बोल सकते हैं आप। तो 50 into 50 वैल्यू रख दी, ये 50 है और ये लेंथ भी 50 है, देखिए यहां से यहां तक ये 0 से 50 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 100 ये वेट है और ये है हमें अननोन वैल्यू x। तो x इज इक्वल टू इसको सॉल्व किया 2500 अपॉन 100, यू विल गेट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 25 जहां पर आप इसको लटका देंगे इस पॉइंट पे, ये मींस पॉइंट आ जाएगा कितने पे, एट 75 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल मींस 100 सेंटीमीटर का स्केल, ये देखिए यहां 0 से लेके 100 सेंटीमीटर का स्केल बना दिया और इसको पाइवट किया गया है 58 सेंटीमीटर पे, और पाइवट करने के बाद इस पे एक वेट लटका दिया गया W2 जिसको नाम दे दिया हमने 20 GF का एट द पॉइंट 100 सेंटीमीटर पे एक लटका दिया एक एंड पे हमने वेट। अब जैसे ही ये वेट लटकाएंगे तो ये झुकने लगेगा इधर को, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में झुकने लगेगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसको, इसका डायग्राम बनाइए। एक बात तो हमने ये डायग्राम बना दिया और क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये बताइए वेट ऑफ द मीटर स्केल कितना है। वेट ऑफ द मीटर स्केल हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाता है, यानी मिड पॉइंट जो होगा उस रॉड का, तो वो 50 सेंटीमीटर पे होगा। तो यहां से जो मार्क बनाया ये W होगा। बी केयरफुल, ऑलवेज रिमेंबर W इज द वेट ऑफ मीटर स्केल पासिंग थ्रू मिड पॉइंट और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये बना दिया, तो आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एक्ट करने लगेगा। तो ये हो गया फोर्स, यानी कि वेट ऑफ द मीटर स्केल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 58 से 50 के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है 58, एंड दिस शुड बी इक्वल टू ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 और 58 का डिफरेंस। तो देखिए वही लिख दिया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, मींस W इनटू L1, ये डिस्टेंस L1 है, इज इक्वल टू W2 इनटू ये डिस्टेंस L2 है। तो W इनटू 58 माइनस 50 है, ये तो डिफरेंस लेंगे, इज इक्वल टू 20 इनटू 100 माइनस 58, ये डिस्टेंस लेंगे, हमेशा डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से लिया जाता है। यू विल गेट W इनटू 8 इज इक्वल टू 20 इनटू 42, यू विल गेट W इज इक्वल टू 105 GF, इसका वेट आ जाएगा मीटर स्केल का। तो आइए शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए वो डायग्राम ये बना हुआ है आपके सामने की ये एक पॉइंट है O जहां पे पाइवट किया गया है रॉड, और इधर की लेंथ 50 सेंटीमीटर है, इधर की लेंथ 50 सेंटीमीटर है, इस पे डिफरेंट मार्किंग है। लेफ्ट हैंड की ओर 40 सेंटीमीटर मार्क पे एक बॉडी रखी हुई है, वेट रखा हुआ है 40 GF का। राइट हैंड साइड पे एक अननोन पॉइंट पे, हमको ये वैल्यू नहीं पता है यहां की, यहां पर एक वेट रखा हुआ है 80 GF का। मींस हमको ये W1 और W2 पता है, W1 40 GF और W2 80 GF पता है, और ये मिड पॉइंट पता है, और हमको ये डिस्टेंस पता है L1। देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 0 है, ये 40 है, तो ये डिस्टेंस 40 हो जाएगा, तो ये 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पता है लेफ्ट हैंड की ओर। राइट हैंड की ओर ये कहां पे रखा है, इट इज नॉट क्लियर, तो हमको यही निकालना है, यानी कि इसको मान लिया x। तो W1 40 GF है, L1 40 सेंटीमीटर है, W2 80 GF है, L2 अननोन है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फॉर मेकिंग इट बैलेंस W1 into L1 यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द राइट हैंड साइड W2 L2। वैल्यू रख दीजिए 40 इनटू 40 इज इक्वल टू 80 इनटू x, यू विल गेट x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम A, तो ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया।